नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टी साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहां पर आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, पहला जो हार्ट्रोन की जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है। और आपके पास 12वीं प्लस 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा हो कम से कम, और ये आपके पास और आपके 12वीं में 50% मार्क्स हो, या आपके पास बीए हो प्लस डिप्लोमा हो, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपको बता दूं कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका डिप्लोमा हो, आपके एमसीए है और कंप्यूटर से एमएससी है तो वो चल जाएगी आपकी, और बीसी आपकी चल जाएगी, और ओ लेवल का कोर्स आपका चल जाएगा, 10वीं प्लस आपको आईटीआई कर रखी है स्टेनोग्राफी की और एनसीवीटी वो आपकी चल जाएगी, कोपा आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, अब जो फार्म आप भर रहे हो आपको फीस में दिक्कत आ रही है, मैंने कल एक मेल आईडी बताई थी, आप इस पर संपर्क कर लीजिए। अगर किसी साथी को फीस में दिक्कत आ रही है आपको मैं बता दूँ यहाँ पर, उसकी फीस का पेमेंट का हमें समाधान वैसे आपको बता भी दूंगा मैं, और लेकिन किसी से नहीं हो पाएगा तो हमने उसको एडजस्ट करने की बात की, लेकिन वहाँ पे आपको 354 की बजाय 450 रुपये आपको वहाँ पर देना होगा अगर आप फीस कटवा रहे हैं, आपको फीस में दिक्कत आ रही है। लेकिन सभी को यही कहूँगा मैं, आप पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे 450 रुपये आपको देना पड़ेगा जिस मोड से मैं आपकी पेमेंट करूँगा, तो उसके लिए आपको 450 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बता दूँ, आपके पास जो ATM है उसको आप लगा रहे हो लेकिन वो आपका इनवेल्ड दिखा रहा है, लेकिन आपका वो सही है। लेकिन आपको बता दो, जैसे SBI का रुपे कार्ड है आप उसको लगाओगे तो आपका इनवेल्ड दिखाएगा, लेकिन उसी SBI बैंक के आप मास्टर कार्ड को लगाओगे तो आपका फीस कट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको नोट कर ली होगी, यानी कि आपका ATM सही है और प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे कुछ न्यू और पुराने जो हाई क्वालिटी के यानी कि ATM है उनको वो उठा रहा है, जो भी ATM कार्ड नए बने हैं मास्टर कार्ड उनको वो उठा रहा है, लेकिन पुराने में रुपए कार्ड वो नहीं उठा रहा है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं बन पा रही बात, स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम आईडी देख रहे हैं, मुझसे बात कर सकते हो @wifi_t600 पर, और तो आप मेरे से फीस कटवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 450 रुपये पेमेंट देना होगा, वो भी पहले देना होगा, किस मोड में देना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कोशिश यही करो कि आप खुद फीस काटें, क्योंकि आप काटोगे आपके 354 रुपये फीस लगेंगे, लेकिन मैं मेरे द्वारा कटवाऊंगा फीस, उसकी फीस आपको 450 रुपये देनी पड़ेगी एक फार्म की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान करनी है। आप हाँ, मैं आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करूंगा, आप जो पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, और जिन साथियों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मोबाइल नंबर, प्लीज़ यही कहूँगा फ़ोन ना करें, SMS भी कम से कम करें, क्योंकि जो बात मैं वीडियो में बता देता हूं आप उन्हीं बातों को पूछते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। प्रिय साथियों, प्लीज थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लिया करो यार। तो आप जब आपको कोई ज्यादा दिक्कत हो जाती है उस टाइम में मेरे पास व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम आईडी मैंने दे दिया है। और एक एक बात को बार बार ना पूछे, जो वीडियो में बता देता हूं वीडियो में आप जरूर देखा करें। और किसी भी प्रकार की समस्या आप मेरे से बात करते हो। बहुत साथी बार बार कहते हैं सर हमें PDF फाइल दे दो, ये कर दो, देखिए भाई PDF फाइल मैंने एक बार दी थी और आपको बताया मैंने बहुत सी मेहनत करके चीज़ें वो बनाई हुई जो भी बनाया है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें बिकने लग जाती है, लीक होने। अभी आपके पास बहुत सी मार्केट में ऐसे PDF आ चुकी होगी जिसके अलग अलग नाम होंगे लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। लेकिन आप प्लीज़, मैं ये नहीं कहूँगा आप जो PDF चाहे पढ़ो, लेकिन मैं कहूँगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आप ज़रूर याद करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना जहाँ से पढ़ो पढ़ो, मैं ये नहीं कहूँगा मत पढ़ो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी वीडियो को आप ज़रूर नोट करें। और ये बात एक दिल से कहता हूँ, जो साथी तहे दिल से मेरी वीडियो देखेगा और रूल फॉलो करेगा उसको कोई माइक लाल सिलेक्शन लिस्ट से बाहर नहीं कर सकता है, ये बात मैं कह रहा हूँ। चाहे आज लिखवा लो चाहे बाद में लिखवा लो, और जो हमारे साथ ही ऑलरेडी लगे हुए हैं वो कमेंट करके इस बात का जवाब भी दे सकते हैं, यानी कि इस बात का साक्षी वो बन सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या मुझे बता सकते हैं। और 12वीं प्लस 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12वीं में, प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का जो चल जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो आपका होना चाहिए। बहुत से साथी कैसा DTP का चलेगा, देखिए DTP के बारे में कुछ कह नहीं सकता, वहाँ पे जो 1 ईयर लिखा है पहले वैसे लिखा था, लेकिन वेरिफिकेशन में बोलेंगे कि आपने डेस्कटॉप पब्लिकेशन का किया, आप आवेदन कर रहे हो डाटा एंट्री में, तो मत प्लीज़ जो डाटा एंट्री से जुड़ा डिप्लोमा हो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, कम से कम 12 महीने का हो। बहुत से साथी होते हैं 12 महीने से एक दिन कम होता है उसको काउंट करते हैं और किसी का ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जो फर्जी फेक डिप्लोमाज आप बनवा रहे हैं कहीं से जल्दबाजी में, उनको ध्यान से आप बनवाइए। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत था, बहुत से साथी जो कोर्स कर रहे हैं और कैसे आप कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका जरूरी नहीं कि आपने हार्ट्रोन से ही कोर्स कर रखा हो, कहीं से भी आपका कोर्स हो आप आवेदन कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि सर मेरे पास डिप्लोमा नहीं है क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। देखिए आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है, आवेदन कर सकते हो एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय
आपको वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि आपके पास 3 दिन का समय है, 1 हफ्ते का समय, अगर आपके पास कोई दूसरा डिप्लोमा हो तो आप जमा करवा दीजिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। जिन भाइयों ने अगर पार्टिसिपेट करना है, जिसका अभी डिप्लोमा नहीं आया है, कि वो कोर्स कर रहा है कि सर मेरा डिप्लोमा अभी नहीं आया, आज आएगा लेकिन 1-2 महीने में, लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर सकता लेकिन मैं टेस्ट को देखना चाहता हूँ, वो निसंकोच होकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो रिस्क लेंगे उनके लिए भी लास्ट में एक बात बताऊंगा, लगातार मेरे साथ बने रहिए। लास्ट की वीडियो आएगी जब एग्जाम आएगा उस टाइम एक बात आपको बताऊंगा। जैसे आप कहीं कोर्स कर रहे हो, मान लीजिए आपका 1 महीने का पेंडिंग है कोर्स है वहाँ पर, और आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप टेस्ट देखना चाहते हो, तो आप विदाउट डिप्लोमा टेस्ट आप दे सकते हो लेकिन जॉब नहीं लग सकते, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए किसी प्रकार की समस्या के लिए। लगातार 7 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी से आवेदन करें। कुछ समस्या मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, और मेरे पास प्लीज़ ज़्यादा इसमें कॉल ना करें प्लीज़ यारो, मुझे भी देख लिया करो, टाइम कम होता है मेरे पास।